हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एलिग्जर नियोगार्डिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वजन बढ़ाने, मानसिक तनाव, खून की कमी या पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी डोज हैं, क्या इसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे इसको लेना है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिग्जर नियोगार्डिन के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इसकी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। रेप्टाकोस कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कौन सा कंपोजिशन इसमें कितनी मात्रा में डाला हुआ होता है, आयोडाइज पेप्टोन इसमें 0.322 मिलीग्राम होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो 6.67 मिलीग्राम होता है। मैग्नीज सल्फेट के बारे में बात करें तो 1.33 मिलीग्राम होता है। जिंक सल्फेट के बारे में बात करें तो 10.71 मिलीग्राम होता है। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात करें तो 0.25 मिलीग्राम होता है और साइनोकोबालमिन के बारे में बात करें तो 0.167 मिलीग्राम होता है और निकोटिनामाइड के बारे में बात करें तो 0.25 मिलीग्राम होता है। अब मैं आपको जो इसके कंपोजिशन उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ, कौन सा कंपोजिशन क्या काम करता है। अगर पेप्टोन के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग जो पाचन संबंधी समस्याएं होती है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हमें जो पोषण की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज सल्फेट के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग पोषण की कमी को पूरा करने के लिए और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। अगर जिंक सल्फेट के बारे में बात करें तो जो कि एक खनिज होता है और ये शरीर में कई एंजाइमों के कार्य में शामिल होता है, ये जल्दी घाव भरने, स्वाद, गंध और इंद्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और बात करें तो इसमें पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि विटामिन B6 का एक रूप है, जो कि पाचन, हृदय, प्रतिरक्षा प्रणाली, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी की कमी है तो उसे हृदय रोग की समस्या बनी रहती है। और बात करें तो साइनोकोबालमिन क्या करता है, ये विटामिन B12 का ही एक पार्ट है। ये विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके MRP के बारे में बात कर लेते हैं। 300 ml का ये सिरप आता है और जिसका MRP 199 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है। अब हम एलिग्जर नियोगार्डिन सिरप की यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या है या उसकी पाचन क्रिया सही नहीं है, किसी व्यक्ति का लीवर का आकार बढ़ गया है या आपको भूख नहीं लगती है और आपका वजन दिन भर घटता जा रहा है, तब भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। और बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। या किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं, अगर स्टार्टिंग के समय में ये सिरप दिया जाता है तो पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। या कोई गर्भवती महिला है, उसकी पाचन क्रिया सही नहीं है या उसमें खून की कमी है, तब भी डॉक्टर के द्वारा एलिग्जर नियोगार्डिन सिरप दिया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। या किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उसको नियंत्रित रखने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा हमें एलिग्जर नियोगार्डिन सिरप दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक थकान रहती है तो उस मानसिक थकान को दूर रखने के लिए भी, उस मानसिक थकान को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा एलिग्जर नियोगार्डिन सिरप दिया जाता है। ये इस सिरप के यूजेज के बारे में कुछ जानकारी थी और हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस सिरप का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब यूजेज जानने के बाद हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज इसकी चलती है। डोज के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को देख के दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है अडल्ट में, आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को, वो भी खाना खाने के बाद आपने इस सिरप को लेना है। ये सिर्फ बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सब ले सकते हैं और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम होना, तेज चक्कर आना, दस्त होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना, खून में मैग्नीशियम का उच्च स्तर होना, पेट में गैस बनना, मुँह में छाले होना और गले में खराश होना,
ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस सिरप को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। ये इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।